हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आर्मी स्कूल टीजीटी पीजीटी पीआरटी ऑनलाइन फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जो अभी हाल ही में आए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि आपको मेरे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट जॉब की ऑल न्यूज आपको जरूर मिलेगी। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं नेम ऑफ पोस्ट जो भी हाल ही में वैकेंसीज आई हैं आर्मी स्कूल टीजीटी पीजीटी पीआरटी क्वालिफिकेशन के लिए आई हैं। जिन्होंने ये सब कर रखा है, ये फॉर्म वो फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, टीचर्स लाइन के लिए, एंड यहाँ पे देख रहे हैं पोस्ट डेट 3 अक्टूबर। दोस्तों, ये फॉर्म आज ही आए हैं। ठीक है, मैं आपको इन्हें सबसे पहले दे रहा हूँ। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले न्यूज पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आ जाइए। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं एप्लीकेशन बिगिन, जो ये फॉर्म स्टार्ट है, एक तरीके से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए दोस्तों। ठीक है, ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, फिलअप होने। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे 1/10/2018, 5 तारीख 3 तारीख दोस्तों ये फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। ठीक है, एंड आप जिसमें आप लास्ट डेट देख रहे हैं 24/10/2018। ठीक है, आप ये फॉर्म 24 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, शाम को 5 बजे साइट बंद हो जाएगी 24 तारीख को। आप 24 तारीख से पहले अपना फॉर्म फिलअप करवा लें। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें फीस की बात की जाए, जनरल ओबीसी के लिए इसमें 6000 रुपीज है और एस सी एस टी के लिए भी 6000 है। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर आप कोई फीस से अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से फीस पे करनी है, आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप अपनी नेट बैंकिंग से भी फीस पे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें बात की जाए आपके एग्जाम डेट की, आपके एग्जाम डेट इसमें 17 से 18 नवंबर को आपका पेपर होना है। ठीक है, 17 या 18 नवंबर को आपका पेपर होगा इसमें। ठीक है, मतलब आपके 1 नवंबर को एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, जो आपका रिजल्ट है इसका दिसंबर के महीने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, आपको सब डिटेल्स आपको यही मिल जाते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए एग्जाम सेंटर की, आपको ये सब एग्जाम सेंटर आपके दिए गए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इलाहाबाद है, कानपुर है, आगरा है, वाराणसी है, गोरखपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, देहरादून है, जयपुर है। फ्रेंड्स, ठीक है, आप इन सबको पढ़ लीजिएगा। जब अपना आप फॉर्म फिलअप करवाएं दोस्तों, आप इनमें से कौन सा सेंटर आपको पसंद है वो फिलअप करवा लें। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें बात की जाए एज लिमिट के बारे में, तो आपकी इसमें एज लिमिट मांगी गई है 40 ईयर। ठीक है, जो न्यू कैंडिडेट है और जो उन्होंने मतलब कि पहले फॉर्म फिलअप किए थे, जिन्होंने एनसीआर स्कूल से मतलब टीजीटी बिलीव कर रखा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डिग्री, तो उनके लिए 29 ईयर्स होनी चाहिए उम्र, और पीजीटी के लिए आपकी 36 ईयर आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, और 4 एक्सपीरियंस कैंडिडेट बिलो, जिनके पास एक्सपीरियंस है इसमें, उनके लिए 57 एज मांगी गई है दोस्तों। ठीक है, और आप नीचे देख रहे हैं एज रिलैक्सेशन एज पर रूल से कैटेगरीज वाइज इसमें आपको एज रिलेक्शन दिया गया है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वैकेंसीज के बारे में। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 8000 पोस्ट आपको मिली है यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 8000 पोस्ट, इसमें आपकी बहुत बड़ी खबर है दोस्तों ये। ठीक है, आपकी बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आप ये फॉर्म फिलअप कर पाओगे। ठीक है, एंड फ्रेंड्स आप देख रहे हैं नीचे आपके लिए दोस्तों पीजीटी में, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश में आपके पास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद बीएड डिग्री। ठीक है, आपको पीजीटी के लिए आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, एंड आप देख रहे नीचे मास्टर डिग्री इन हिंदी विद बीएड डिग्री। फ्रेंड्स, आपने अगर इंग्लिश, मैथ, हिंदी, हिस्ट्री जोन से भी मतलब इससे कर रखी है, आपको ये मतलब ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इनमें से डिग्री आपके पास, ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए जब आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों टीजीटी के लिए आपके पास देख रहे हैं टीजीटी एलिजिबिलिटी मिनिमम 50 मार्क्स आपके पास, टीजीटी में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, पीजीटी में आपके पास 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, टीजीटी की बात करें, आप देख रहे हैं यहाँ पे टीजीटी में आपके पास इंग्लिश में बैचलर डिग्री इंग्लिश विद बीएड डिग्री। ठीक है, जो मतलब क्वालिफिकेशन आपके पास पीजीटी मांगी गई है, आपकी टीजीटी मांगी गई है। ठीक है, दोनों मतलब आपके पास सेम है। और पीआरटी में दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे पीआरटी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद बीएड आपके पास होनी चाहिए, 2 ईयर मतलब 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 4 ईयर इंटीग्रेट कोर्स होना चाहिए आपके पास दोस्तों। ठीक है, पीआरटी जिनको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी न्यूज आपके लिए। ठीक है, आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक कर लेंगे, ठीक है, आपके सामने मतलब ऑप्शन आ जाएंगे, आपका नाम रोल नंबर मांगा जाएगा, आप वो फिलअप करने बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आ जाएगा, आप लॉगिन पे जाके फिर वो रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दें, वहां पे अपना पासवर्ड डाल दें और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स जरूर मिलता है। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।